नमस्कार बच्चों, पेड़ा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एलसीएम निकालना सिखाएंगे। देखिए, एलसीएम तो हम निकालना सिखा चुके हैं, आज एलसीएम के सवाल सिखाएंगे। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 20, 30 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो देखो, अगर छोटी से छोटी, न्यूनतम, कम से कम अगर सवाल में पूछे तो हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तो इसमें क्या पूछ रहा है, छोटी से छोटी, और क्या पूछ रहा है, 20, 30 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 20 और 30 और 40 का हम एलसीएम निकालेंगे लासा। तो देखो, 20 30 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। देखो, एलसीएम जैसे इसमें एलसीएम में बड़ी संख्या ऊपर रख लेंगे, 40 बटे नीचे छोटी संख्या है, तो 20 कॉमा 30। देखो, 20 का भाग तो 40 में चला जाता है, लेकिन 20 का भाग 40 में नहीं जाता है। तो देखिए, पहले हम 2 का गुणा करेंगे, तो 20 में 2 का गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 80 आएंगे। तो हमारा एलसीएम में 80 नहीं होगा, क्योंकि 30 का भाग 80 में नहीं जाता है। तो फिर देखिए, 40 में 2 के बाद 3 का गुणा करेंगे, तो 0 और 3 चौक 12, तो 120। अब देखिए, 120 में 20 का भाग भी चला जाएगा और 30 का भी चला जाएगा, तो एलसीएम उतना कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। तो अपनी छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 120। तो अपना आंसर कितना होगा, 120। देखिए, ऐसे निकालते हैं।